खीर किसने बनाई? खीर बनाई किसने? खीर बनाई किसने? वो एक रहस्य है, अभी लड़ाई हो जाएगी। हेलो गाइज, वेलकम टू ब्लॉग। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। एक्चुअली क्या होता है पता है कि अगर इंडिया में रहो, यूएस में रहो, तो हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं हिंदी जान के भी कि हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गणेश चतुर्थी। इसलिए मुझे लगा कि यार थोड़ा ट्राई करता है जन्माष्टमी के शुभकामनाएं। जस्ट द वन थिंग दैट आई मिस इन स्टेइंग इन यूएस इज फैमिली। तो हमेशा क्या होता है, जब भी कभी त्यौहार, कभी भी कोई फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो फर्स्ट थिंग दैट आई मिस इज फैमिली। द गुड थिंग इज इधर जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी फैमिली जैसे ही है, तो उन्होंने हम लोगों को बुलाया है उनके घर पे। तो बेसिकली एक पॉटलक है 5 years back। तो मेरा एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया, उसने बोला कि यार केटी पॉटलक है तो घर पे आ जा। अभी मुझे पता नहीं चल रहा था कि यार पॉटलक पॉटलक क्या है। मुझे लगा कि यार एक पॉट रहेगा, उधर खाना रहेगा, और बाद में उधर जाके कुछ ना कुछ तो लॉटरी जैसा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पॉटलक मतलब शेयरिंग एंड ईटिंग है। मतलब सब एक 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 आइटम लेके आओ, उधर टेबल पे रखो, जो तुम लोगों को पसंद आए वो खाओ, और बाद में जो बचा हुआ है ना वो लेके जाओ, उसको मत भूलना। तो नुपुरा ने क्या बोला कल कि कल तू जन्माष्टमी का व्लॉग करेगा, लेकिन मेक श्योर कि सबका तू शूट मत ले, ऐसे ऐसे घूम मत फिर, क्योंकि थोड़े लोगों को व्लॉग में आना उतना पसंद नहीं है। लेकिन देखो एक्सप्लिसिटली किसने मुझे बोला भी नहीं है कि किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, लेकिन वो थोड़ा मन में रहता है ना यार कि बाबा इनको पसंद नहीं रहेगा, इनको पसंद रहेगा और इनको पसंद नहीं रहेगा। बट आई ट्राई माई बेस्ट। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि बाबा किसके ऊपर ऐसे कैमरा डालूँ, किसके ऊपर कैमरा नहीं डालूँ, लेकिन यार आई गिव अ ट्राई। क्या करते हैं नुपुरा? नींबू, टू मच ऑफ वर्क। तो नुपुरा ने बोला मुझे मुंबई जैसा मसाला टोस्ट चाहिए, तो इसलिए अभी टोस्ट बन रहा है। अरे चाय गिरी, चाय गिरी, चिरी, नहीं 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 नहीं। मेरा अवतार देखो, एकदम कुर्ता है लेकिन नीचे यूएस की चप्पल। ऐसा करना पड़ता है इधर भी फंक्शन जाने से पहले, एक फोटोग्राफी का सेशन इधर होता ही है हमेशा। पूरा बोल रही थी यार जिनके घर में जा रहे हैं उनका तो इंट्रोडक्शन थोड़ा तो दे दे। मैंने कब ऐसा बोला? अरे तूने बोला नहीं, मतलब उनको भी पता है, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो श्वेता और विकास जो कि एक कपल है, एंड विवान फॉर श्योर, क्रिकेट। ओके, तो श्वेता जी का एक मैं आपको एक नेचर, अच्छा नेचर बोलता हूँ, वो कभी बुरा बोलती ही नहीं। मैंने उनको परसों ये पूछा कि यार कभी आप बुरा बोल सकते हो, तो विकास ने भी वही बोला, वो कभी बुरा बोलती नहीं। विकास के बारे में क्या बोलूं यार, इतनी मतलब इतने हम्बल खातिरदारी करते हैं, इतने खातिरदारी करते हैं कि उनके घर में जाओ वो सब देंगे, सब देंगे, हाथ में लाके देंगे, एकदम पैम्पर करेंगे तुम लोगों को, और बाद में क्लीन भी करेंगे उनके घर में, वो ही क्लीन करेंगे। लेकिन अगर हम लोग उनको अगर बुलाते हैं कभी घर में, तो इधर आके भी वही क्लीन करेंगे, और फाइनली सब लोगों को बाहर तक छोड़ने आएंगे। ये 100% आज भी छोड़ने आएंगे, आपको दिखाऊंगा, विटनेस करोगे आप। बाद में बोलो, बाद में मत बोलो कि मैंने बोला नहीं। लगती है ये पूरे फैमिली की, इंक्लूडिंग विवाना, इसलिए फैमिली बोला मैंने, कि इन लोग के घर पे हम कभी भी उठ के जा सकते हैं। मतलब हमें कभी सोचना नहीं पड़ता है, गिवन दैट दे आर एट होम है, बट कभी भी उठ के जाके बोलो कि श्वेता यार ये खाना है वो खाना है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि श्वेता हैज सेड नो, और विकास फॉर दैट मैटर हैज सेड नो। इवन विवान इतना हमारी, मतलब हम सभी की एंजॉय करता है ना इतनी कंपनी, कि मजा आ जाता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई दूसरी कंट्री में रहते हो, कि यू नीड अ फैमिली। श्वेता इज वन ऑफ द फैमिली, श्वेता, विकास एंड विवान। और मैंने उनको वो भी बोला था कि यार फ्रेंड्स आर फैमिली व्हेन यू लिव आउटसाइड। या एक्साइटेड, एंड आई हैव ड्रेस्ड अप इन साड़ी, आई नो आई एम लुकिंग गुड, थैंक यू। Hey, how are you? Good. Hi, Vivan. Oh, I like your dress, man. Aye, aye, baba. दोनों का एकदम style एकदम same है. देखो यही है विकास जी, यही विकास जी. देखो मैंने बोला था ना, इनके घर में ये क्लीन करेंगे, हमारे घर में हम क्लीन करेंगे, और ये भी क्लीन करेंगे. आपका घर भी हमारा, हमारा घर भी आपका. गाइस तुम लोगों को बोलता हूँ, ये निवेदिता है, एक मिनट इधर देखो, ये निवेदिता है और ये श्वेता जी है, जो मैं बोल रहा था ना, कभी बुरा नहीं बोलते, कभी बुरा नहीं बोलते। मैं क्यों बोलूंगा, टेल मी वन रीजन, टेल मी वन रीजन। एक तो बुरा बोलो मेरे, कुछ तो बुरा बोलो कि आप अच्छे नहीं है, आप क्यों नहीं आता है बुरा बोल के टाइम क्यों वेस्ट करता है? देखो मेरे गांधी जी भी है अंदर, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत। एक्चुअली
और बुरा देखो मत भी ना। अच्छा जय हिंद, देख तो लेते हैं। और निवेदिता एकदम डांसर है उमा की। एक तो कुछ तो पोज करके दिखाओ, अभी करके दिखाया आपने, और एक अच्छा कुछ तो पोज करके दिखाओ ना। आ नाइस, गाइस यही एकदम हमारे फैमिली जैसे है, मॉम डैड जैसे हमारे। एक्चुअली ये दीपक सर है और ये प्रीति मैडम है। एक्चुअली हम लोगों को एक मॉम डैड जैसे है, एक फिगर जो है ना, हम लोग हमेशा वही देखते हैं। इतने रिस्पेक्टेड है कि इतने बुड्ढे लग रहे हैं। बुड्ढे नहीं है, बुड्ढे का नहीं है वो, एक एक लेटर है रिस्पेक्ट कि मेरा चल रहा है, मेरा कि नहीं चल रहा है। आपका चल रहा है अभी, कैमरा कभी भी ऑन हो जाता है। फर्स्ट टाइम विकास को बैठते हुए देखा यार घर पे। वो नेक्स्ट के लिए नंबर है, मैं हूँ नहीं, अंदर से जगा रहा हूँ। विकास के कभी भी पार्टी होती बैठे हुए नहीं मिलते। विकास कभी बैठते नहीं, कभी बैठते नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ तो काम करते। श्वेता का सवाल, श्वेत खा मैंने, राइट? नहीं अभी रुको, साइड हो यार, बैठो हटो। हाँ चलो फोटो खींच लो, पता चले कि विकास भी बैठता है। बहुत हॉट दिखती है भाई वो, कॉन्शियस कर दिया लड़का, कैंडिड भाई। कौन सा मूवी बोला आपने? 14 फेरे। और क्यों 14 फेरे क्यों चाहिए? 7 फेरे रहते हैं ना, 14 फेरे चाहिए नहीं है, 14 फेरे उसमें होते हैं। क्यों रहते हैं 14 फेरे? दो बार मैरिज करते, दो बार मैरिज, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। सैलेड किधर है, दिखाओ दिखाओ। अरे खाने को मन डेफिनेटली करेगा, खाएंगे तो बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली क्या हुआ? सबसे ज्यादा मेहनत का काम सैलेड बनाना, विच आई डिड इट। ओह थैंक यू सो मच। Hi Shurit, how are you? Hi. ये मेरा भाई आ गया, जो अकेला बंदा हमेशा कमेंट करता है मेरे व्लॉग के ऊपर। थैंक यू सो मच दोस्त। यार आप बताए होते कि व्लॉग पे कमेंट करने से भाई बनता है, तो मैं पहले करता। पाया पड़ दो। What happened? Why are you so silent? What happened to you? Tell me. Oh, see. घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। दवा का बिगना ची पूर्वी प्रेम कहा दया ची। नंद के रानंद भयो जय कन्हैया।
की गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। चौथी कक्षा में था लास्ट आई हर्ड दैट मतलब यू आर फॉलोइंग व्हाट एवर आंटी हैज इन हर ब्रेन हरिद्वार के ब्राह्मण है ना और किनका पड़ेगा हम भी गाएंगे है ना खाना पड़ेगा ये देखो खातिरदारी करने के लिए विकास फिर से खातिरदारी कर रहे हैं। तो यात्रिक सर आप खाना भी बनाते हो घर पे? नहीं हम ट्रेनिंग में हैं। ट्रेनिंग ये मेन शेफ है ना? नहीं सभी जगह यही मेन रहते हैं सभी जगह। इस घर में सिर्फ विकास। हाँ अभी लड़ाई हो जाएगी। खरे था ना एकदम साकर कमी है सर। खीर कैसे बनी है बोलो? बहुत जबरदस्त आई थिंक द बेस्ट थिंग। बेस्ट थिंग ना एकदम खूब भालो बहुत मस्त बहुत मस्त जोरदार एकदम सरस मस्त एकदम। कैसे बोल एकदम मस्त। खीर कैसी बनी? बढ़िया बा बढ़िया बा। खीर कैसी बन ली रे? एकदम छान एकदम छान स्वादिष्ट स्वादिष्ट। सर तेलुगु में एकदम बोलो। अरे अरे सॉरी यार सॉरी। इससे पूछो इससे। खीर कैसी बनी बोलो? स्वादिष्ट चाला बागो ब्रह्मांड। अरे बनाई किसने वही पता नहीं सर। अभी वही पता करना है कि खीर किसने बनाई है। खीर बनाई किसने? बनाई किसने वो एक रहस्य है। हाँ। पर खीर जो थी अत्यधिक। तो मैं यही सोच रहा था और नुपुरा से यही पूछ रहा था यार हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। उसके बाद सोचा कि यार लास्ट टाइम हम लोगों ने खीर पुडिंग ट्राई की थी केलवन इन यूएसए व्लॉग में। अगर तुम लोगों ने देखा नहीं तो जाके ऊपर जाके देख लो पहला जाके देखो। तो उधर क्या हुआ था कि खीर हमारी खराब हो गई थी क्योंकि हम लोगों ने वो स्लो कुकर में किया था। लेकिन आज मैं करूंगा ये कैस्टो पे नो मोर डिपेंडेंसी ऑन स्लो कुकर। अपन अपना केटी एकदम जबरदस्त बनाएगा। अरे 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 एक मिनट अरे खीर किसने बनी? खीर किसने बनाई? खीर किसने बनाई? उसको खिलाओ तो बेचारे को। मस्त झमाझम बनी। क्या कहते हैं? मतलब हमारे यहाँ कहते हैं कोई भी खाना बढ़िया हो तो कहते हैं मस्त सेक्सी थी। क्या क्या मैं बोलूँ जो बनाने वाला है वो सेक्सी भी है। अरे यार थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग एंड कमेंट। जय श्री कृष्ण। देखो देखो मैंने क्या बोला था ये आएंगे फिर से सबको छोड़ने जाएंगे सबको 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 छोड़ने जाएंगे। कह रहे अमित इन्होंने ही सिखाया ना ये सिखा सबको आदत लगाई है सबको आदत लगाई है जी आदत तो फैलाने की नहीं लेकिन बहुत अच्छी आदत है एक्चुअली हम लोग को और 5-10 मिनट बातचीत करने के लिए मौका। अरे ये तो मैं समझा ही नहीं एक्चुअली बराबर है रे। बाय बाय।